कथा हम आरंभ करते हैं। यहाँ थोड़ा नेटवर्क कम है तो इस वजह से हम तो विभीषण जी से भग हनुमान जी मिले और फिर उसके बाद हनुमान जी ने ये कहा है कि यहाँ पर एक सुंदर हरि मंदिर देख करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उनसे सीता मैया का पता सुनते हैं। सीता मैया को किस तरह से त्रिजटा इत्यादि से वार्तालाप होती है और फिर हनुमान जी ने मुद्रिका वहां पर फेंक दी। मुद्रिका को देख करके उनको बड़ा ढांढस बंधा। हनुमान जी बोले, राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान लग रहे हैं। रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान लग रहा है। मैं किससे कहूं यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। फिर हनुमान जी ने कहा कि अभी तक उनको ये पता नहीं है कि तुम आप कहाँ पर हैं। अगर उनको पता होता तो भगवान कब का यहां से तो आपको ले जाते। लेकिन राम जी की यह शपथ है, इसलिए मुझे यह आज्ञा नहीं है कि मैं अभी आपको ले जाऊं, नहीं तो मैं भी आपको लेके जा सकता हूं। थोड़े दिन और रुकिए, रामचंद्र जी वानरों सहित आएंगे और सारे राक्षसों को मारकर आपको लेकर जाएंगे। फिर इस तरह से जब युद्ध होगा तो रामचंद्र जी का यश सारे राक्षस गाएंगे। सारे नारद ऋषि मुनि गाएंगे। सीता जी ने इस तरह से कहा कि वहां के सब वानर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे ही हैं, राक्षस तो बड़े बलवान हैं, क्योंकि हनुमान जी छोटे रूप में थे। तो फिर सीता जी को थोड़ा ढांढस बंधाने के लिए हनुमान जी ने अपना वास्तविक शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के समान सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर। सीता जी के मन में विश्वास हो गया। इसको पढ़ते हैं तुलसीदास जी के शब्दों में। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हीं खाई परम लघु ब्याल, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। इस तरह से सीता जी के मन में बहुत विश्वास हुआ। अजर अमर होने का वरदान देते हुए इन वृक्षों को खा लो ऐसा
उन्होंने कहा कि ठीक है तुम भूख यहाँ पे मिटा लो अशोक वाटिका में ही। लेकिन सीता मैया ने कहा कि बहुत सारे योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। हनुमान जी ने कहा मुझे राक्षसों का तो भय नहीं है। बाकी बस आपकी आज्ञा लेनी थी कि मैं इस अशोक वाटिका को के फलों को खा लूं। और इस तरह से आज्ञा लेकर हनुमान जी चले। फिर ये हम पढ़ रहे थे, कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिलाए सी धरी धूरी, कछु पुन जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया, कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। उनका एक पुत्र भी अक्षय कुमार को भेजा गया। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा वहां पर, और अक्षय कुमार को बड़े जोर से मारकर एक वृक्ष को लेकर उन्होंने ललकारा, और उससे अक्षय कुमार को मारकर एक वृक्ष से अक्षय कुमार को मारकर हनुमान जी ने बड़ी जोर से हा ऐसे करके महाध्वनि की, बड़े जोर से गर्जना की। फिर अपने पुत्र का वध सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो गया और उसने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने देखा कि ये जो वानर है ये तो किसी से मर नहीं रहा है। हनुमान जी ने जाकर उसे एक घूंसा मारा और उसे ऐसा वो बेहोश हो गया। वो मायावी भी था, उसने माया का प्रयोग किया, लेकिन भगवान हनुमान जी उससे भी ज्यादा मायावी थे। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी ने सोचा कि अरे ब्रह्मा जी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शिव जी अपनी टिप्पणी अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। तो शिव जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, जा सुनाम जप सुनाहु भवानी, भव बंधन काटहिं नर ज्ञानी, तास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपिहिं बंधावा। हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंधा लिया। सारे राक्षस दौड़े कि बंदर को बांध लिया गया है। हनुमान जी ने देखा रावण जी की सभा, सब लोग सारे देवता भी हाथ जोड़कर खड़े थे, और यमराज स्वयं सिंहासन के नीचे लेटे हुए थे, उनके ऊपर रावण पैर रखता था। रावण ने कहा कि तुमने मेरे इस अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ दिया? किसके बल से तू इतना हाहाकार मचा रहा है? तुम्हें अपने प्राण का भय नहीं है? ये रावण की वाटिका है, डर नहीं तुम्हें लगता?
हनुमान जी ने कहा कि मुझे किसका बल है, मुझे उसका बल है जिसका बल पाकर संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करते, ब्रह्मा जी, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, और जिसके बल से सहस्रमुख शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। तो हमारा जो वैष्णव सिद्धांत में देखिए, कई बार लोग ऐसे महाराष्ट्र इत्यादि में इस तरह की कथा भी सुनने को मिलती है, वो कहते हैं कि गणपति जी के 10 मुख हैं और गणपति जी के 10 हाथ हैं और 20 हाथ हैं और वही सृष्टि के संरचना करते हैं, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ भी लिख दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, रामचरित मानस और श्रीमद् भागवतम और विष्णु पुराण इत्यादि सारे ग्रंथ मैच करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं अनंत शेष जी सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धारण करते हैं, अनंत शेष जी। ये हमारे सिद्धांत से, जो वैष्णव सिद्धांत में बताया जाता है, उससे मैच खाता है। वही हर बार नाना तरह के वेश धारण करके आते हैं और इस बार नर रूप में तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए भगवान राम आए, ऐसा कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। उन्होंने ही शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला है जिस सभा में तुम भी रूप बदल कर बैठे हुए थे, और सारे राजाओं का गर्व भी उन्होंने ही चूर चूर किया। खर दूषण त्रिशिरा और बाली को उन्होंने ही मारा है। तुम उनकी पत्नी को हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत, मैं भी खूब जानता हूं किस तरह से तुमने सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली बाली से भी तुम्हारी लड़ाई हुई थी। एक समय रावण एक जगह पर सहस्र कवच सहस्र बाहु नाम का एक राक्षस था। तो सहस्र बाहु नाम का जो राक्षस था, वो एक दिन बैठ करके कहीं पर बैठ करके तपस्या इत्यादि कुछ कर रहा था और रावण वहां पर आकर के खेलने लगा स्त्रियों के साथ। तो अपनी पत्नियों को ले आकर के वो खेलने लगा और वहां पे पानी में बहुत हलचल होने लगी। तो सहस्र बाहु को बहुत बुरा लगा और सहस्र बाहु ने अपने बाहुओं से जल का बहाव ही रोक दिया। तो रावण उससे बहुत ही हल्का राक्षस था और बाली को भी उन्होंने मार दिया था भगवान राम ने, तो उससे भी वो डरा रहे थे हनुमान जी। और हनुमान जब मैंने आपको बताया था कि बाली अपनी कांख में लेकर के उनको 6 महीने तक बैठे रहा था रावण ने ये सब जब बात बताई तो रावण ने कहा कि ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब कब हुआ था? कभी नहीं हुआ था। इस तरह से रावण ने बात टाल दी। फिर हनुमान जी ने कहा कि देखो भाई, मुझे भूख लगी थी, फल वानर स्वभाव है मेरा, इसलिए मैंने फल खा लिए। अब राक्षसों को लगा कि भाई बंदर है इस तरह से, ये लोगों को तो पता नहीं है, दया तो है नहीं इन लोग के अंदर, इसलिए मैंने इन लोग को मारा कि भाई बंदर स्वभाव है, हम फल खा सकते हैं, तुम इसके लिए हमारा मर्डर करने आ जाओगे क्या? वृंदावन में हम चश्मा ले लेते हैं, उसमें कोई बात है? मर्डर थोड़ी करेंगे हमारा। अरे फ्रूटी दो, हम चश्मा दे देते हैं, है कि नहीं? साफ है। तो यही अपराध था, इसलिए भैया खा गए और क्या। अब इन लोगों ने मुझे मारना शुरू किया तो मैंने भी मारना शुरू किया।
तुम्हारा पुत्र मुझे बांधने आया था, लेकिन मैं वैसे तो मुझे बांध नहीं सकता कोई इस समस्त सृष्टि में इस समय, क्योंकि मैं शिव जी का अंश हूं। इसलिए मुझे कोई भी बांध नहीं सकता इस संसार में। मुझे ब्रह्मा जी से भी वरदान प्राप्त है। इस संसार में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अब हनुमान जी ये सब बता रहे हैं उसको लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं प्रभु के दूत की हैसियत से आया था, इसलिए दूत का रोल निभाने आया हूं। इसलिए तुमसे मैं विनती कर रहा हूं, मेरी सीख सुनो। अपने पवित्र कुल का विचार करो, भ्रम छोड़कर भगवान का भजन करो। जो काल भी जिनसे डरता है उससे कदापि बैर न करो, और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो उनको वापस। इस तरह से वो कहने लगा। भगवान हनुमान जी ने ये समझाया कि तुम ऋषि पुलस्त्य जी के कुल में जन्मे हो, विश्रवा के शिष्य हो, इसलिए इस तरह से अपने पापा का नाम मत डुबाओ, समझे कि नहीं है? और फिर भगवान श्री हनुमान जी ने बड़े सुंदर वचन कहे हैं, तो इसको मैं आपको सुना रहा हूं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित पर नारी। राम नाम के बिना वाणी इसी तरह शोभा नहीं देती जैसे गहनों से सुनी हुई सुंदरी स्त्री कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाहीं, बरसि गए पुनि तब ही सुखाहीं। राम के विमुख पुरुष की संपत्ति, उसकी महिमा, प्रभुता, ये सब तो धीरे धीरे चली जाती है, और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। तो ये इससे हमें पता चलता है कि यदि हमारा कनेक्शन जो है, हम भगवान राम से कनेक्शन किस तरह से बनता है, प्रार्थना करने से। तो अगर हम भगवान के आश्रय में हैं, भक्तों के आश्रय में हैं, तो वो ऐसे ही सूख जाता है। इसीलिए भक्ति एक लता है, ये हमेशा आश्रय में रहती। आश्रय में जब भक्ति लता जो है उसका नरिशमेंट होता, तो आश्रय में सेवा करने से भक्ति लता का नरिशमेंट जो है होता है। इसलिए नहीं तो भक्ति लता कितना भी आप पढ़ लीजिए, भक्ति लता अगर नरिश नहीं रहेगी, शास्त्र अध्ययन कर लो, दुनिया भर की आरतियां गा लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन वो जो आश्रय है, वो आश्रय का टेस्ट अलग है। एक बार अपने एक वरिष्ठ भक्त से मैं चर्चा कर रहा था, तो गुरु महाराज उनको बोलते हैं, बहुत ही वरिष्ठ भक्त है, मुझे काफी कुछ उनसे सीखने को मिला। तो वो मुझे बोल रहे थे, गुरु महाराज कहते हैं कि अगर सेवा करनी है तो इनसे सीखो। अभी वो राजस्थान में एक स्थान है, वहां पर
अभी वहाँ पर टेंपल प्रेसिडेंट है, तो बोलते हैं कि सेवा करना सीखना है तो इनसे सीखना था। तो ये यही मेरे घर के बगल ही पास में ही एक स्थान है, वहीं के रहने वाले हैं, अभी ब्रह्मचारी हैं स्वामी में, बहुत बहुत पुराने भक्त। गुरु महाराज की 6 महीने 6 साल सेवा भी किए एज ए असिस्टेंट। तो एक दिन मुझे कह रहे थे, ये जो आश्रय है, ये भक्तों का आश्रय, सब भक्तों का आश्रय जो मिलता है उसका एक आनंद जो है वो अलग ही, फिर वो श्रवण कीर्तन इत्यादि सब कुछ फलित होता है। जिस प्रकार से जो भक्ति लता है, अगर उसको कोई आश्रित, कोई पेड़ वृक्ष कोई आश्रित नहीं है, कोई लता कोई आश्रित अगर कोई आश्रय नहीं है, तो चाहे कितना भी पानी डालें, कुछ भी डालें, गिरी पड़ी रहेगी उसके ऊपर, कुछ भी लात मार जाए, कुछ देर बाद हाथी इत्यादि उसे रौंद भी देंगे, टूट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कितना भी पानी डालो वो बढ़ी बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी, लेकिन उसको कभी भी रौंद दिया जाएगा, उसके साथ कुछ भी अन्याय हो, आश्रय में नहीं। तो हमारे दयानंद प्रभु जी एक कहानी सुनाते हैं कि अगर कोई, मान लो कोई एक वैष्णव अगर है जो कि आपसे प्रेम करता है, अगर वो हमसे प्रेम करता है, सजातीय स्निग्ध सतो वर वैष्णव, अगर कोई एक वैष्णव ऐसा होना चाहे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ को उनके साथ ओपन करके, थोड़ा बातें करके, कि अब कुछ ऐसे काउंसलर्स तो ऐसे होते हैं जो कि खुद ही उनके लाइफ में बहुत इंटरफियर कर देते हैं, इसलिए कि उनको सोचते हैं कि अब जब सब पता चल जाएगा तो मैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन जान करके फिर इनको ब्लैकमेल कर। ये ढोंगी बाबा वाले की बात नहीं हो, ढोंगी बाबा वाला बात, ये बात कर रहे हैं कि जो खुद से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पर जो भक्त है वो खुद ही व्यक्त करता है कि हमें ये चीज में, मुझे कैसे इसका आध्यात्मिक दृष्टि क्या होना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, सारी चीजों में जब हम इस तरह से रखते हैं, तो ये जो आश्रित भजन है, आश्रित भजन जो है उसमें फिर वो भक्ति लता एकदम फूल फल सब लेते हुए बढ़ती। लेकिन अगर आश्रय नहीं है, कैसे आश्रय होगा? खुद से इंटरेस्ट लीजिए, अभी आश्रय हो जाएगा, लेकिन कैसे? वो खुद ही पेड़ खोज ले और फिर उस पर, अब ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए कि वो लता जो है उसको वो व्यक्ति जो उसको, मतलब भक्ति लता ऐसी हो, ऐसा पेड़ हो, थोड़े दिन बस चलो हो गया पेड़, अब यहाँ पे रख लिया थोड़ा दिन, सुंदर बहुत सुंदर फल उसमें लग रहे थे तो उसको अपने ऊपर लपेटने दिया, ठीक है अच्छी लता है, ठीक है। जब कुछ दिन मान लो फूल नहीं दिया उस लता ने, पेड़ ने कहा चल हट यहाँ से, निकल यहाँ से, ऐसा नहीं, तो बोनाफाइड व्यक्ति होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं हनुमान जी, ये कह रहे हैं, मोहमूल बहु शूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित पीड़ा देने वाले अभिमान को त्याग, अभिमान है मोह उसका मूल है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए किसी को बहुत आसक्ति है कि आई एम ए स्पेशल पर्सन, आई एम ए स्पेशल पर्सन, ये चीज का उसको बहुत आसक्ति, आई शुड बी ट्रीटेड स्पेशली, आई एम स्पेशल। अब किसी को इस चीज से बड़ा मोह हो जाता है, स्पेशल ट्रीट मतलब फोन आए हम स्पेशल। कई बार ऐसे माताएं ऐसे हो जाती, इतनी देर से फोन कर रही थी, फोन नहीं उठा रहे थे, अरे भाई और भी काम है, आप कौन है, जीबीसी है, आपका फोन उठा ले,
और भी काम। तो कई बार ऐसे हो जाता है आई एम टू स्पेशल। अब जो बहुत ज्यादा स्पेशल वाला ट्रीटमेंट में रहता है, फिर उसको जैसे ही कोई भी व्यक्ति चीजें कॉमन हो जाते उनको अच्छा लगता है, वो लगता है अरे ये गलत हो गया, ऐसे कैसे। उनको अगर बोल दिया गया ठीक है आप भी हैं, आप भी हैं, सब लोग नहीं है गलत, ऐसे नहीं हो सकता। आई टॉप तो आई ए टॉप, सेंटर सेंटर नो टॉप, एक पूर्ण बहुमत की सरकार, ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो है बहुत अच्छा नहीं है। तो तो इसको अगर कोई है मान लो उस मोह में है, अब वो मोह की वजह से उसको फिर क्या होगा, अभिमान जन्म लेगा, मेरे को एक बार भी किसी ने कुछ मना बोल दिया ऐसी की तैसी, फिर उसको लो तेरी दे तेरी बस ये वो है आई एम स्पेशल, इफ समबडी एल्स इज स्पेशल देन आई डोंट टॉलरेट इट, आई एम स्पेशल एंड ओनली आई ए स्पेशल, जहां भी जाओ तो मैं ही स्पेशल रहूं, अगर मैं स्पेशल नहीं हूं तो किसी और को स्पेशल होने नहीं, चाहे इसके लिए मुझे बहुत बड़ा आंदोलन ही छेड़ना पड़े। ये मोह ही मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। तो ये जो अभिमान है उसका मूल तो क्या है, मोह है। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु, यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंस कर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी मालूम होता है। अरे दुष्ट, लग रहा है कि मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी के वचन सुनकर बहुत, फिर हनुमान जी ने कहा कि इस तरह से जब वो उसने मृत्यु इत्यादि बोला तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान हर लिया गया है, मैं बार बार कह रहा हूं मुझे इस सृष्टि में कोई भी नहीं मार सकता, मैं अमर हूं मुझे इस सृष्टि में कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा शिव जी कोई भी मुझे नहीं मार सकता, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। तो फिर हनुमान जी ने इस तरह से कहा तो रावण ने कहा कि सैनिकों इसे मार दो, तब तक विभीषण जी वहां पर आ गए। विभीषण जी ने कहा कि अरे रावण जी ये दूत है, दूत को मारना नहीं चाहिए, कोई और दंड इसको दे दीजिए, इसलिए रावण ने कहा कि ठीक है ऐसा करो कि इसको अंग भंग कर दो, बंदर की ममता उसकी पूंछ में बहुत होती है इसलिए पूंछ में आग लगा नहीं, और जब ये जली हुई पूंछ के साथ जाएगा बिना पूंछ वाला रहेगा तब इसके मालिक को भी पता चलेगा, तब मैं देखूं जरा कि उनके मालिक कितने ताकतवर हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और फिर उनकी पूंछ बड़ी लंबी हो गई खेल में, और सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे, फिर हनुमान जी उसको पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते सारे लोगों की, सब लोग तालियां पीट रहे थे। पूंछ में जब आग लग गई तो अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी बहुत ही छोटे हो गए और सब जगह चढ़कर बंधन से निकल गए और सब जगह कूद कूद कर भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार की पवन चलने लगी। तो ये 49 प्रकार की पवन होती है, जैसे हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं,
प्राण अपान समान उदान व्यान। उसी तरह से ये जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे अग्नि होती है, अग्नि के कई प्रकार होते हैं, जैसे दावाग्नि। दावाग्नि क्या है? जो कि जंगल में लग जाती है उसको दावाग्नि बोलते हैं। जठराग्नि जो कि पेट में लगती है। उसी तरह से जो मंद मंद हवा बहती है, समीर बहता है, उसको समीर कहते हैं। फिर तो ये 49 ईयर्स का जो डिस्क्रिप्शन है ये आप नोट कर सकते हैं। अगर नोट नहीं करेंगे तो भी ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये 49 प्रकार के जो वेदों में 7 प्रकार के का तो वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद यही जो 7 जो वायु हैं, इनके 7 7 गण हैं, जो कि ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष और भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा में ये बहते हैं। तो ये 7 × 7 ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, तो ये 7 हो गए। 49 मरुत हो जाते हैं जो कि देव रूप में विचरण करते हैं। तो ये 7 प्रकार की जो वायु है वो क्या है? सबसे पहली वायु है प्रवाह। जो मेघ मंडल में जो बादलों के वहां पर स्थित है, प्रवह उसको बोलते हैं। ये बादलों को इधर उधर ले जाती है और जल से पूरित करती है मेघों को और वर्षा करवाती है। आवह नाम की एक वायु है जो कि सूर्यमंडल में बंधी हुई है, और ये सूर्यमंडल जो है वो घुमाया जाता है इस आवाह की वजह से। उद्वह नाम की एक वायु है जो कि चंद्र में प्रतिष्ठित है और चंद्रमंडल इससे घुमाया जाता है। संवह नाम की एक वायु है जो कि नक्षत्र मंडल में स्थित है और ध्रुव से धुरी लेकर के नक्षत्र मंडल को घुमाती है। विवह नाम की एक वायु है जो कि ग्रह मंडलों में स्थित है और वो ग्रह चक्र ध्रुव के संबंध होकर घूमता रहता है। परिवह नाम की एक वायु है, ये छठी वायु है, जो कि सप्तर्षि मंडल में स्थित है और ध्रुव तारे तारे की संबंध होकर सप्तर्षि मंडल को भ्रमण कराती है। परावह नाम की 7वीं ये वायु है, ये ध्रुव तारे में ही आबद्ध है, फिर ध्रुव लोक में ही आबद्ध है और इसकी वजह से सभी धुरी पे स्थापित है।
हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, ये थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। तो मैंने ये सात प्रकार की वायु के बारे में यहाँ वर्णन आया, 49 वायु के बारे में, तो ये 49 के बारे में मैंने आपको बताया। तो फिर इस तरह से 49 पवन चलने लगी और अट्ठहास करके भगवान हनुमान जी गरजे और बहुत बड़ी अपने शरीर को कर लिया, पर बहुत हल्का कर लिया, और एक महल से दूसरे महल जा करके सारे नगर को जला दिया। सब लोग हाहाकार करने लगे, ये हमें कौन बचाएगा, केवल विभीषण के घर को छोड़कर। एक भी गृहना केवल विभीषण का घर छोड़कर उलटी पलटी लंका सब जारी, उदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके वो सिंधु में कूद गए और बहुत ही छोटा सा रूप धारण करके जानकी जी के सामने पहुंच गए, सीता मैया के सामने पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि हमें कुछ चिन्ह दे दीजिए सीता मैया, कि हम उनको भगवान को दिखाएंगे। सीता मैया ने चूड़ामणि दे दी, हनुमान जी उसको लेकर के आए। सीता मैया वो लाइन कहती हैं जो कि हर बार हम लोग खूब कहा करते थे, जब कोई दोहा आता था तो हमको ये कहना होता था, हम ऐसे बोलते थे, दीन दयाल बिरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, कहे उतात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर सीता मैया ने कहा कि अगर 1 महीने में भगवान नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी। फिर सीता मैया ने कहा कि तुमको देख करके मुझे थोड़ा बहुत ढांढस तो था, अब तुम भी जा रहे हो। फिर हनुमान जी ने बहुत समझाया और चलते हुए हनुमान जी ने बहुत जोर से गर्जना की, आ से गर्जना की, और बहुत सारी राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। फिर समुद्र लांघ कर वे इस पार आए, हनुमान जी से सब लोग मिले, सब लोग हर्षित हो गए। फिर सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने फल इत्यादि खाए। जब सुग्रीव और भगवान राम वहां पर आए तो सुग्रीव ने देखा कि सब लोग बड़ा फीस्ट कर रहे हैं, समझ गए कि कुछ तो बड़ी बात है, और राम जी की कृपा से सब सफल रहा। हनुमान जी को सीता मैया मिली थी। और फिर जांबवान जी जो लीडर थे उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने ये कार्य कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी बात है, हनुमान जी आकर के सारा क्रेडिट नहीं ले रहे, वो आकर के बता रहे हैं अपने जो भी भक्त हैं, जो भी कार्य किया उसको अपने जो लीडर हैं उनको सौंप रहे हैं। और फिर जो लीडर है वो देखिए वो क्या कर रहे हैं,
वो ये नहीं कि अब तुमने मिला दिया, बता दिया मुझे, अब तुम्हें क्रेडिट नहीं दे, चुपके चुपके अब मैं जाकर के बताता हूँ। नहीं, जाम भगवान जी जाकर के हनुमान जी को के बारे में बता रहे हैं कि हनुमान ने ऐसे किया, हनुमान जी ने ऐसे किया, हनुमान जी को ही सारा क्रेडिट दे रहे, जबकि बहुत सारे लोगों ने मदद की, सब सबके बारे में बता रहे हैं, और खुद भी उन्होंने बहुत मीटिंग की, बहुत कुछ किया, लेकिन वो सब को ना देखते हुए कभी कभी मुझे भी ये मन में आता है कि हो ना हो कभी एक दिन इस तरह की भक्ति जरूर करेंगे जिसमें इन प्रतिस्पर्धाओं से हम ऊपर उठ जाएंगे, किसी को हराने की कोई लालसा ना हो, किसी को भी नीचा दिखाने की कोई लालसा, जो जीतना चाहे जीत जाए, जो अपमान करना चाहे अपमान कर ले, ना कोई सम्मान की चिंता, सबको सम्मान देते हुए, कभी एक दिन इस तरह भजन जरूर करना चाहिए जिसमें कि कोई जब कुछ बताए तो हम ये खोजने में न लग जाएं कि आपकी बात गलत है, या फिर ये सिद्ध करें कि अरे ये बहुत छोटा है, इससे बड़ा कार्य मैं करके दिखा सकता हूं, या फिर हम कुछ और उसके पीछे कुछ लॉजिक न बोले, कभी कोई कुछ इल्जाम लगाए तो हम कहें सही बात, आपने सही समझा समझा होगा, चलो मैं प्रयास करूंगा, कब ऐसा ऐसा हृदय हो जाएगा। सच में ऐसा जीवन जीने के लिए ही तो साधु का वेश धारण किया था कि मान अपमान सम्मान सब कुछ ना भी रहे, कुछ भी कोई ना दे, तब भी भगवान की शरण लेकर के अब और अपने यार को याद करके पूरे आनंद में, और फिर देख रहे हैं कि अपना ठाकुर किस तरह से सारी चीजों की व्यवस्था कर रहा है, खुद ही कर रहा है। फिर हनुमान जी से पूछने लगे, हनुमान जी को भगवान राम ने गले लगा लिया। अब वहां पर हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि बताओ सीता मैया कैसे रहती हैं, तो अब हनुमान जी ये जानते हैं कि सीता मैया तो बहुत बड़ी रानी है ना, सीता मैया, तो हनुमान जी देखिए ये नहीं बता रहे हैं कि सीता मैया हनुमान जी को, राम जी को दुखी हो जाएंगे राम जी, लेकिन अब राम जी को दुखी भी नहीं करना है, लेकिन सच बताना भी तो जरूरी है। तो अब राम जी को सीता मैया को के बारे में बता रहे हैं, बड़ा ही सुंदर प्रसंग, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा किस प्रकार से राम जी को सीता जी के बारे में हनुमान जी बता रहे हैं, बहुत ही मार्मिक तरह से वर्णन कर रहे हैं। नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। इतना सुंदर चित्रण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां सीता मैया हैं, रात दिन वहां पर आपका नाम जो है वो पहरे देता है, मतलब ऐसे तो अनप्रोटेक्टेड नहीं है, आपके आपके नाम से प्रोटेक्टेड है, और दरवाजा जो है वो आपका ध्यान करना है, यही दरवाजा है। सीता मैया देखो खुले में है ना, लेकिन हनुमान जी किस तरह से वर्णन कर रहे हैं, और ताला लगा हुआ है, किवाड़ में ताला लगा हुआ है, ऐसे नहीं समझिए कि दरवाजा बंद नहीं है, ताला लगा हुआ है, आपके चरणों में उनके नेत्र फंसा दिए गए हैं, उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं, आपने देखा होगा जब ताला होता है उसमें एक छोटे से छेद होता है, उस छेद में ऊपर वाला जाके फंस जाता है और फिर वो ताला नहीं खुलता है। तो कह रहे हैं कि
नेत्र जो है वो ऊपर वाला पार्ट है, और भगवान के चरण में ऐसा लगता है फंस गया है वो, ताला निकल नहीं पा रहा। और इस कमरे में सीता मैया के प्राण रुक गए हैं। किसको कैद किया गया है? सीता मैया के प्राणों को, इसलिए निकल नहीं पा रहा। चलते चलते उन्होंने ये चूड़ामणि मुझे दिए हैं। जानकी जी ने मुझसे कहा कि दोनों प्रभु राम और लक्ष्मण के चरण पकड़ना और कहना कि आप तो दीन बंधु हैं, ये तो मैं जानती हूं कि मैंने कभी कोई सेवा नहीं की, ना ही मैंने कभी कोई कार्य किया, तो इसीलिए फिर भी, लेकिन आप दीन बंधु हैं, जो शरणागत होते हैं उनके दुख को हर लेते हैं, इसलिए आप, आपने ही, क्योंकि आप स्वामी हैं सारे संसार के, अगर आप मुझे चाहते नहीं त्याग होने का, तो कोई मुझे कैसे ले जाता? इसका मतलब आपने ही मुझे त्यागा है। इसलिए एक बार मुझे ये बताइए कि मेरा दोष क्या है? मैं अपने सारे जीवन में एक बार भी आपके अलावा किसी का चिंतन नहीं किया है, बस मुझे आपने त्याग दिया। इसको सोच रही हूँ कि मेरी गलती क्या है, एक बार बस मेरी गलती बता दीजिए। एक बार सुंदर गोपाल प्रभु हमारे एक दिन मुझे बोल रहे थे, बोलते हैं कि जब जब तक बद्ध जीव हो, मन जो कहे वो उसका उल्टा कर दो ना, खुद ही भगवान मिल जाएंगे। सच में जब हमें कभी कहना होता तो हम तो यही कहते हैं कि अरे इतना दिन हो गया आए नहीं अभी तक हैं। सीता मैया इस तरह से नहीं कह रही। हमारे वो एक दिन कहानी सुना रहे थे, बोलते हैं ऐसे में बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो थोड़े मुझसे वरिष्ठ है, पर बोल रहे थे कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ में ओ समय हो गया, तो चलो ये कहानी कल सुनाएंगे, अभी इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हमने लगभग 30 पेज आज पढ़े। तो सीता मैया यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पूरे जीवन में मुझे कोई दोष नहीं दिखता, बस एक ही दोष दिखता है, एक दोष ये है कि जब आपका वियोग हुआ तो मैं मरी नहीं, बस इतना है। लेकिन इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, ये आंखों का अपराध है कि वो निकलने ही नहीं दे रहे प्राणों को। सारा सिस्टम है, श्वास से हवा आ जाएगी, शरीर ही रुई के समान है, और आपका जो विरह है वो तो अग्नि के समान जला ही रहा है। सारा सिस्टम होने के बावजूद भी ये सारा काम जो है आंखों का है, क्योंकि ये आंखें जो हैं बीच बीच में जल बरसाती रहती, इस वजह से शरीर जल नहीं पाता। कितना सुंदर चित्रण कर रहे हैं। बिरह अगनी तनु तोल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहा। सीता मैया ये कह रही हैं, सारा अरेंजमेंट तो करके बैठे हैं, ये शरीर रुई के जैसा है, श्वास से हवा लग रही है, अग्नि है, लेकिन बस एक ही चीज की कमी, आपके विरह की अग्नि तो है, बस एक ही चीज की कमी, तो क्या है? शरीर तो क्षण मात्र में जल जाएगा, प्रॉब्लम यह है कि आंखें जो हैं आंसू बहाती रहती हैं, इसलिए देह जल नहीं पाती। इस तरह से हनुमान जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, एक-एक पल एक-एक कल्प के बराबर बीत रहा है, तुरंत चलिए और उनको लेके आते हैं। अब राम जी के भी आंसू आ गए, तो अब
इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हमारे लगभग 750 पेज हमने पढ़ लिया इन कुछ दिनों में, एक महीने में, और इसमें कुल 1047 पेज है। तो अभी हमारे 300 पेज और बचे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रयास करेंगे, कभी किसी को बहुत मार्मिक आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई शंका है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, या आप हैंड रेज करके बोल सकते हैं। मैं जो बड़ा सुंदर लगता है ये सच में पढ़ने में और तुलसीदास जी का कहना ही क्या, कितना अच्छे से इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपके मन में कुछ है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो इसको बाद बार में ये राणा पाटिल प्रभु डाल देंगे, इसको बाद में सुनिएगा, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जो लोग ज्ञान लेना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ बहुत सारी ज्ञान की बात कहते हैं। जैसे कोई अगर योगा इत्यादि भी करता होगा तो मैं वहां पे लिखा हुआ था कि धूप को पीठ से लेना चाहिए और अग्नि को आगे से लेना चाहिए। रामचरित मानस बड़ा ही मूल्य ग्रंथ है, तो लगभग 300 पेज बचे हैं हमारे। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, हैंड रेज करके आप बोल सकते हैं। यस रिंकू माता जी, यस माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु प्रणाम जी। प्रश्न तो नहीं था पर एक रिक्वेस्ट थी प्रभु जी, आप वीडियो ऑन करके क्यों नहीं लेक्चर देते हैं? माता जी। मैं ये ज्ञानपुर एक जगह है, यहाँ पुरानी बाजार एक जगह है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पर वाईफाई नहीं है यहाँ पे, अच्छा तो ये अच्छा मोबाइल के नेट इंटरनेट से चल रहा की था, प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये अब वाईफाई कुछ दिन लगेंगे, यहाँ पे वो लाइन ही नहीं आई यहाँ पर। जी, तो यहाँ पर भी एयरटेल और जियो वगैरह का अब चल रहा है खुदाई और सब, अभी धीरे धीरे होगा, लेकिन एक है मैं उनसे प्रयास कर रहा हूँ कुछ करके, अगर हो जाता है तो ये मैं जरूर, इसका वीडियो ऑन हो जाएगा और फिर आप तो मैं भी यहाँ से वीडियोस थोड़ा ऑन करके, अच्छा लगता है मुझे। प्रभु जी वीडियो ऑन करके जैसे हम कुछ भी सिखाते या पढ़ाते हैं ना इस पे, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं प्रभु जी। ऐसे करके सुन तो रहे हैं पर इतना मतलब एंजॉय नहीं कर पा रहे इस चीज को ना। हाँ जी, हाँ जी, प्रयास करेंगे। ये एक्चुअली आवाज कटने लगती है, तो फिर इसीलिए मैं वीडियो ऑन करने का थोड़ा कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? आप लोगों को ठीक लग रहा है? मनाल प्रभु, नीलम माता जी, सब ठीक लग रहा है? आप प्रेमा माता जी, राजू प्रभु, संगमेश्वर प्रभु, शीतल माता जी, ठीक लग रहा है आपको ये रामचरित मानस? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु ऐसे जी। शेड्यूल बन जाता है ना, तो देखो हम कितने सारे पेजेस पढ़ डाले हमने पिछले एक महीने में। आप वैसे अगर नहीं, अगर हम ऐसे अगर बैठे रहते, अगर हम लेके बैठते कभी ना पढ़ पाते हैं। पर अभी हम ऐसे पढ़ ले रहे हैं तो हम पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को कृष्णा ड्रीम्स, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिदिन संध्या काल में समय निकाल कर श्रवण करने के लिए। आप विश्वास मानिए, भगवान की कथाएं सुनना ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। बाकी सुबह भी आप क्लास में आ सकते हैं 6:45 AM,
हम क्लास करते हैं, अगर 6:45 AM में थोड़ा फिलोसफी पे हम जो वैष्णव सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत की पराकाष्ठा है ये जो गीत है वैष्णव गीत, उस पे हम चर्चा करते हैं, और संध्या काल में थोड़ी कथा करके फिर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा। गुड नाइट।